जब मैं इन सारी चीजों के बारे में देख रहा था कि ग्वादर के अंदर, ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर है, बाकी सारे शेयर चाइनीज के, बाकी सारी ओनरशिप ग्वादर पोर्ट की या सारे उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप सारी उनके पास है, 9% सिर्फ पाकिस्तान से। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, पाकिस्तान वाज द मेन लूजर इन द लॉन्ग रन, और सिर्फ आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया ताकि आवाम चीखे नहीं। आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। देखिए ये बात ये है कि पाकिस्तान का जो बुरा हाल इस वक्त है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी ग्वादर पोर्ट के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है। और इनफैक्ट अक्सर आपने पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बड़े बड़े एंकरों एनालिस्ट को यह कहते हुए देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना के सहयोग से बन रहा है या बना ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख देगा, इससे पाकिस्तान को फायदा ही फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो हकीकत निकल के आ रही है ग्वादर पोर्ट से, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों के लिए शॉकिंग भरा है, लेकिन चाइना के पास इन्वेस्टमेंट को देखते हुए इसमें जरा भी हैरानी नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ साथ जिस ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तानी गोल्ड माइन बताते नहीं थकते, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीते दिनों जो पाकिस्तान के अंदर मारकाट मचाई है, उसे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। चाइना के अंदर इस वक्त 50-51 अफ्रीकन कंट्रीज के लीडरान वहां पे इकट्ठे हैं इस वक्त, और अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। चाइना के इस वक्त बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, लेकिन वो अगर देखा जाए 50 मुल्कों के जो इस वक्त अगर देखा जाए, तो मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था कि 30 जो चाइना है वो 30 मेगा प्रोजेक्ट करेगा अफ्रीका के अंदर, $210 बिलियन 3 सालों के अंदर उनको क्रेडिट लाइन दी जाएगी $210 बिलियन की 3 साल में इस्तेमाल करने के लिए। कई इस तरह मुल्कों के अंदर चाइनीज कंपनियां जो है वो अपने मसल फ्लैक्स कर चुके, अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा रही है। इसमें जो मजीद इसमें मैं जो ऐड करना चाहूंगा वो ये था कि अल्टीमेटली चाइना कोई भी काम ऐसा कच्ची जमीन के ऊपर वो पाँव नहीं रखते हैं, जो उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे अगर देखा जाए तो प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। मैं जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि जैम्बिया पहले ही बैंकरप्सी कर चुका है ऑलमोस्ट, और दूसरा जो कहना है उसके भी हालात खराब है। जब मैं सारी चीजों के बारे में देख रहा था तो साथ ही मुझे याद आया आपके वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अगले दिन एक जो नई चीज बताई है कि ग्वादर के अंदर, ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर है, बाकी सारे शेयर चाइनीज के, बाकी सारी ओनरशिप ग्वादर पोर्ट की या सारे उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप सारी उनके पास है, 9% सिर्फ पाकिस्तान के पास, और सिर्फ आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया ताकि आवाम चीखे नहीं। तो चाइना प्रेडेटोरी लैंडिंग करता है प्रेडेटोरी तरीके से, जिस तरह श्रीलंका में गए थे उनको बैंकरप्सी के धाने पे लेकर बाद को भारत में रेस्क्यू, भारत को रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि चाइना का एक उन्होंने तरीकाकार बना रखा है कि करप्ट जो रेजिम्स होती हैं उनको पैसे देते हैं, वो पैसे वो सीधे लेकर लंदन और दुबई चले जाते हैं और कौम जो है पीछे से सफर करती है। तो यही बिल्कुल अफ्रीका के अंदर भी होगा कि करप्शन के जरिए जो लोग होंगे वो पैसा सारा लंदन और दुबई ले जाएंगे, पीछे से कौम सफर करेगी। ये चाइना का एक टिपिकल स्टाइल है प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। लेकिन इसके बाद आगे चलें तो आज आपके कंट्री की भी कई खबरें चल रही हैं। आपकी सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो। इमरान खान, हमें नारा लगता रहा, हम नारा सुनते रहे, क्या आज हमें उस नारे पर चलना है या हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है।